गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहीन आपके साथ। आज हम बनाने वाले हैं गोलगप्पे। उसके लिए हम ये सूजी लेंगे और इसे हम छान लेंगे। आज हम सूजी वाले गोलगप्पे बनाने वाले हैं। हमने तेल और चलो अब हम इसमें ऑयल डालते हैं। हमने ऑयल को गरम कर लिया है और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम सब पूरे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छा मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा हल्का गर्म पानी डालेंगे। इसका बैटर ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए ना ज़्यादा हार्ड। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। जब तक हमारा डो परफेक्ट नहीं होता तब तक हमें इसे अच्छे से मलना है। जितना अच्छा हमारा डो होगा उतने अच्छे हमारे गोलगप्पे बनेंगे। ऐसे डो रखना है आपको अपना। अब हम इसे 5-7 मिनट के लिए रेस्ट करते हैं। देखिए गाइस, मैंने चने की दाल बॉईल कर ली है। मेरे पास टाइम कम था तो मैं इसलिए चने या छोले वो नहीं कर पाई, तो चने की दाल से हम काम चलाएंगे। इसी के साथ मैंने 4 आलू लिए हैं, इन्हें हम बॉईल कर लेंगे। आलूओं को हमें ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। पानी पूरी का पानी बना लेते हैं चटपटा। तो हमने यहाँ पर मिर्च ली है, पुदीना हमने 11-12 मिर्च ली है, हरी मिर्च। अब हम इसे ग्राइंडर में डाल दें, पुदीना भी डाल देते हैं। इसके साथ हम थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट, इमली का पानी, नमक, ज़ीरा और अब हम इसे पीस लेते हैं। हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी के साथ हम इसमें जलजीरा मसाला मिला देंगे, 2 बड़े चम्मच जलजीरा पाउडर। और अब हम इसमें 1 लीटर पानी ऐड कर देंगे। हमारा चटपटा पानी तैयार है। अब हम इसमें बूंदी और थोड़े से पुदीने के पत्ते ऐड कर देंगे। हमने अपनी कढ़ाई रख दी है, उसमें ऑयल डाल दिया है। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब बना रहे हैं हम बूंदी। और इसमें निकाल लें, हमारी बूंदी तैयार है। हमारी बूंदी तैयार है, अब हम इसे अपने पानी में ऐड कर देंगे।
इसी के साथ हम इसमें पुदीना ऐड कर देंगे। हमारा पानी तैयार है और ये हमने थोड़ा सा मीठा पानी बनाया है, इसमें हमने कुछ नहीं डाला, बस इमली और गुड़। अब थोड़ी सी बूंदी हम इसमें भी ऐड कर देंगे। इमली की और गुड़ की चटनी बना के डाली है हमने इसमें। पहले इस पर हमने जो चने की दाल उबाली थी इसे हम थोड़ा चटपटा बना लेते हैं। इसमें हम प्याज ऐड करते हैं, प्याज चॉप करके डालनी है। ये ग्रीन चटनी है हमारी। अब हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देंगे। बड़ा चम्मच हमने इसमें चाट मसाले के करीब डाला है और अब हम इसमें एक नींबू डाल देंगे। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी दाल तैयार हो चुकी है एकदम चटपटी गोलगप्पे के अंदर भरने के लिए। हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। अब हम अपने गोलगप्पे बनाते हैं। ताकि हमारे गोलगप्पे एकदम फूले फूले बने। ऐसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए आपके बैटर की। ये अब हम इनकी छोटी छोटी लोइयां बना लेते हैं ये साइज की, और उसके बाद हम इन्हें बनाना शुरू करते हैं। चलिए गाइस, अब एक एक करके अपनी पानी मसाले से ऐड करते हैं। देखिए कितने अच्छे से फूल रहे हैं हमारे पानी मसाले माशाल्लाह से। चलिए गाइस, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। हमारे पानी मसाले हो चुके हैं गाइस। हमने ये रखा पेड़ा और हम इसे हल्के हाथों से बेलेंगे। आप किसी भी शेप में बेल सकते हैं इन्हें, लंबा या गोल, जैसी आपकी इच्छा। और बेल बेल के देखो हमने ये रख लिए हैं। अब हम इन्हें ऑयल में डालेंगे। इन्हें एक एक करके ऑयल में डालते जाएंगे। देखिए हमारे कितने अच्छे से फूल रहे हैं। आप भी इस तरीके से बनाएंगे गाइस तो आपके जरूर सारे पानी बतासे फूलेंगे। चलिए अब हम ऐसे ही सारे और बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको। गाइस हमारे गोलगप्पे तैयार है, अब हम इनकी प्लेटिंग करते हैं। देखो गाइस हमने ये ऐसे रख लिए हैं, हमारे पास कोई कांच के नहीं है तो हमने अपने कॉफ़ी के ग्लास से ही किए हैं। कोई बात नहीं, अब हम इनकी स्टफिंग करते हैं। ये हमने जो मसाला बनाया था अभी मैं अच्छे से इसमें भर लूँगी। ऐसे ही हम बाकियों में भी भर लेते हैं। देखिए गाइस हमने अपनी सारी स्टफिंग भर ली है इनमें, अब हम पानी भरते हैं इनमें। ये हमारा चटपटा पानी है और अब हम मीठा पानी ले लेते हैं। देखिए गाइस हमने सब में पानी भर लिया है, अब हम एक एक आलू रखते हैं इनमें। देखो गाइस हमारी अच्छे से प्लेटिंग हो चुकी है, अब हम इन्हें खाएंगे।
खा लो जी, खा लो खा लो। चलिए अब एक खट्टा ट्राई करिए। गाइस सीरियसली बहुत टेस्टी बने हैं, एकदम मार्केट जैसे और मार्केट से भी अच्छे। एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा गाइस। ठीक है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, अल्लाह हाफिज़।